हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा एक्सट्रीम मशीन्स का 12U रैक सर्वर पे आप जो 1U ट्रे है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस 1U ट्रे को मैं अभी अनरैप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आज है हमारे पास में 1U ट्रे और कुछ केज नट है यहाँ पे, और यहाँ पे उसको माउंटिंग करने के लिए स्क्रू है, और यहाँ पे मेरे पास टेलीस्कोपिक चैनल है, और यहाँ पे टिक्स टाइप माउंटिंग चैनल है। तो इसकी असेंबली हम यूरैक फ्रेम में करके दिखाएंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स टाइप माउंटिंग क्लैंप से। तो ये जो फिक्स टाइप माउंटिंग क्लैंप हैं, ये 1U ट्रे के साथ में फिक्स टाइप वाली कॉन्फ़िगरेशन परचेज करने के साथ में आते हैं। तो ये वाले जो क्लैंप आप यूज़ करेंगे तो जो फिटिंग होगी वो फिक्स टाइप होगी, और ट्रे को जब आपको अनमाउंट करना होगा तो आपको ये स्क्रू लूज करके ही अनमाउंट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरैक फिक्सिंग क्लैंप से। तो इनको हम लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कट यहाँ पे दिए हुए हैं 1U की कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो उस पर हम ये केज नट माउंट कर लेंगे। तो आपने देखा जो 1U की कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर और एक नीचे बीच वाला मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये 1U की कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें दो होल दिए हुए हैं, तो बीच वाला मुझे छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी करना है। तो ये मैंने चार केज नट पीछे की तरफ लगा लिए हैं, और मैं इस पार्ट को इसमें क्लैंप कर देता हूँ। तो ये क्लैंप जो है ना इस तरफ रहेगा, और मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। और ऐसे ही सेम इसको भी मैं दूसरी साइड माउंट कर देता हूँ। तो मैंने इसके दोनों तरफ ये क्लैंप माउंट कर दिए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रे की कॉन्फ़िगरेशन में एक स्लॉट है, तो इसको 1U के बीच वाले स्लॉट में हम माउंट करेंगे। तो ये जो केज नट है इनको बीच वाले सेक्शन में बिठा देंगे। और इस ट्रे को इसमें ले जाके आप अंदर स्लाइड करेंगे, और इसके 1U वाले खांचे में आप इसको टाइट कर देंगे। ऐसे सेम दूसरी तरफ करेंगे। तो आगे की तरफ से ये ट्रे जो है फिक्स हो गई है। अब बारी है इसको साइड से फिक्स करने की। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो क्लैंप है और जो ट्रे है उसको बराबर मैच कर लेंगे, और जो ये होल्स हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे तीन होल, इन पे ये जो छोटे वाले स्क्रू हैं वो आप टाइट कर लेंगे। तो ट्रे की जो लेफ्ट साइड है वो मैंने प्रॉपर टाइट कर दी है, अब इसकी राइट साइड में भी मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एलन की मदद से इसको प्रॉपर टाइट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मैंने टाइट कर दिया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ये ट्रे है इसमें आगे की तरफ बेंड है और पीछे की तरफ भी बेंड है, तो
इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है और मार्केट में दूसरी आने वाली जो ट्रे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा टेलीस्कोपिक चैनल की मदद से, और ये वाली जो चैनल्स हैं इनको यूज़ हम तभी करते हैं जब आपको इसको स्लाइड करना होता है। तो स्लाइड जब आप करेंगे, स्लाइड वाला फंक्शन लेके आएंगे इसमें, तो आपको ये वाली जो चैनल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको। तो मैं इसको निकाल लूँगा और इसमें जो ये वाली चैनल है इनको लगा के फिर मैं आपको इसका वेट टेस्ट भी करा के दिखाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं इसको वापस खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि खोलने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि इसको इंस्टॉल करने में। तो मैंने इसको इसमें से खोल लिया है। अब मैं जो स्लाइडिंग चैनल है उनको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सामने की तरफ दो कट हैं और पीछे की तरफ दो कट हैं। तो इसमें आपको टोटल एक चैनल को फिक्स करने के लिए टोटल 8 केजनट चाहिए होंगे। तो मैंने दो यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखे थे और पीछे की तरफ एक एक लगा रखा था। तो मैं यहाँ पे दो दो केजनट इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ और एक ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे सेम इधर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो ये टेलीस्कोपिक चैनल है इसमें एक फिक्स साइड है और एक जो एक्सपेंडेबल साइड है ये। तो दोस्तों ये जो 19 इंच की जो यूरेक है जिसकी विड्थ 19 इंच है और जो इसकी गहराई है वो 18 इंच है। तो इसमें कई तरीके की गहराई आती है जो कि 18 इंच, 20 इंच, 26 इंच, 30 इंच आता है। तो ये जो टेलीस्कोपिक चैनल है ये 18 इंच से लेके आपको 26 इंच तक का सपोर्ट देती है। तो अभी जो ये रैक है वो 18 इंच की है, तो 18 इंच वाली में मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस टेलीस्कोपिक चैनल में आप देखेंगे कि एक फिक्स साइड है और एक फ्लेक्सिबल साइड है। तो फ्लेक्सिबल साइड जो है वो पीछे की तरफ रहेगी, फिक्स जो साइड है वो आगे की तरफ रहेगी। और इसको सामने की तरफ से ऐसे सेट करना है ताकि इसका जो मूवेबल पार्ट है वो ऐसे बाहर निकल सके। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं जो एल टाइप का है, तो वो अगर जो लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट वाली साइड लगेगा, अगर राइट की तरफ है तो राइट वाली साइड लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में लगा देता हूँ। ऐसे ही सेम मैं दूसरी वाली को लगाऊंगा। तो आगे से मैंने इनको टाइट कर दिया है, अभी इनको पीछे से टाइट करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो स्लाइडर हैं उनको मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो आप चला के देख सकते हैं इसको, तो ये इजीली बाहर आ जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये टेलीस्कोपिक मोशन। तो अब बारी है इसमें जो वन यू ट्रे है उसको माउंट करने की। तो इसको इसकी ट्रे पे ऐसे ही रख देते हैं और इसके जो होल्स हैं ये वाले आप देख पाएंगे यहाँ पे ये होल्स, तो इनको सिर्फ मैच करा के आप इस पे स्क्रू टाइट कर देंगे। और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्क्रू कर देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको पूरी तरह इंस्टॉल कर लिया है और ये इजीली लगाई जा सकती है। और इस टेलीस्कोपिक चैनल का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आपको इसको बाहर निकालना हो या फिर इसको मेंटेनेंस पर्पस के लिए, जैसे इस पे यूपीएस रखा हो या कुछ ऐसी चीज़ रखी हो जो बार बार आपको मेंटेनेंस की या कुछ अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका स्लाइड मोशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है और जब आप इसको बिल्कुल एंड से लेके जाते हैं तो ये एक क्लिक की आवाज़ से लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे लॉक हो गई है तो ये इजीली अभी नहीं निकलेगी, आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा और फिर इसके बाद ये इजी मूव करेगी। जो वेट कैपेसिटी है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको अभी जो है मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकालूंगा नहीं तो इस पर बैंडिंग इफेक्ट लगेगा तो ये उठ जाएगा। तो अभी मैं इसको अंदर डाल देता हूँ इतना और इस पर मैं लगभग 20 से 30 किलो वेट डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो ये टेलीस्कोपिक चैनल है उसका जो कैपेसिटी है वो पता चलेगी। तो दोस्तों अभी मेरे पास है 10-10 किलो के 3 पैकेट तो मैं इस पर रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि मैंने 30 किलो वेट यहाँ पे डाल दिया है ट्रे पे और आप इसको देख सकते हैं चारों तरफ से। इसको मैं स्लाइड करके भी दिखा देता हूँ पर थोड़ा बेंडिंग इफेक्ट रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।